यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और फतेहाबाद से अगली बड़ी खबर ले रहे हैं, जहां पर सरसों की चोरी करते हुए युवक काबू हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अनाज मंडी में ट्रकों से चोरी कर रहा था युवक। और फतेहाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरसों की चोरी करते हुए युवक को काबू में कर लिया गया है। अनाज मंडी में ट्रकों से चोरी कर रहा था युवक, तो यहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। ऐसे युवकों पर नकेल कसी जा रही है। ट्रक चालकों ने चोर को मौके से काबू कर लिया है। और आपको बता दें कि युवक सरसों को चुरा रहा था और चोर के हाथ बांधकर जमकर पिटाई भी की गई। ट्रक चालकों ने चोर को मौके से काबू कर लिया। तो बड़ी खबर आपको फतेहाबाद से बता रहे हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये जो चोर है इसकी जमकर पिटाई की जा रही है। आपको बता दें ये जो चोर है सरसों की चोरी कर रहा था, सरसों की चोरी करते हुए इस युवक को काबू कर लिया गया है और पिटाई का ये वीडियो जो है जमकर वायरल हो रहा है। तो ट्रक चालकों ने इस चोर को मौके से काबू कर लिया और इसकी जमकर पिटाई की। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इस चोर की पिटाई की जा रही है। आपको बता दें कि ये चोर सरसों की चोरी कर रहा था और अनाज मंडी में जितने भी ट्रक थे इस सरसों के, वहाँ पर चोरी कर रहा था। और वहाँ पर जितने भी ट्रक चालक हैं उन्होंने मौके से इस युवक को काबू कर लिया और इसकी जमकर धुनाई कर डाली। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी जमकर पिटाई की जा रही है, बाल से पकड़कर इसे मारा जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस युवक ने सरसों की चोरी की है। मंडी में जितने भी ये सरसों के ट्रक खड़े थे वहाँ से चोरी की फिराक में था ये युवक। और इस युवक को ट्रक चालकों ने काबू कर लिया और फिर जमकर इसकी पिटाई कर डाली। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से देखिए इस चोर की पिटाई की जा रही है। क्योंकि ये चोर आपको बता दे सरसों की चोरी कर रहा था और वहाँ पर मौजूद ट्रक चालकों ने इसे मौके पर काबू कर लिया और इसकी जमकर पिटाई कर डाली। आपको बता दें कि जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है और तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी पिटाई की जा रही है। हालांकि इसके जो मंसूबे थे उसे कामयाब नहीं होने दिया गया और इसे मौके पर काबू कर लिया गया।